तो गाइस, आपको टेलीग्राम पर बैकअप चैनल कैसे बनाना है, तो आपको पहले टेलीग्राम प्लस ऐप डाउनलोड करना है। तो देखिए, टेलीग्राम प्लस ये मेरा पहले से डाउनलोड है, इसलिए डायरेक्टली ओपन करना पड़ेगा। आप डाउनलोड कीजिए, देखिए ये मैसेंजर है, प्लस मैसेंजर, आप इसको ओपन कीजिए डाउनलोड करके। फिर इस पर इसमें अकाउंट बना दीजिए। फिर देखिए कोई भी चैनल हो, जैसे देखिए ये चैनल है, तो इसके मैं लेक्चर कैसे फॉरवर्ड कर सकता हूँ। देखिए अब कितने भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, कितने भी लेक्चर्स हो या कितने भी मैसेजेस हो, ऐसा 100 तक एक साथ में फॉरवर्ड कर सकता हूँ। यहाँ पर से सिलेक्ट किया, देखिए यहाँ पर कितने भी नीचे जाऊँ, 100 तक ये लिमिट होता है कितने भी शेयर कर सकता हूँ, तो यहाँ पर सिलेक्ट किया, 44 है। तो ऐसा सेव्ड मैसेजेस में आपको फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ पर आएंगे, आपको सेव्ड मैसेजेस में अब ये सारे मैसेजेस सेव्ड मैसेजेस में आपके फॉरवर्ड हुए हैं। तो आप जब सेव्ड मैसेजेस में देखेंगे, तो देखिए ये पहले वाला चैनल, जिस चैनल से आपने लेक्चर्स फॉरवर्ड किए या जो मैसेजेस फॉरवर्ड किए, वो चैनल कॉपीराइट से डिलीट भी हुआ, तो भी आपके ही ये मैसेजेस डिलीट नहीं होंगे। तो आप, ये सिंपल सा तरीका है, आपको टेलीग्राम प्लस मैसेंजर प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। फिर उस पर लॉग इन कीजिए, और जिस भी चैनल से आपको लेक्चर्स या मैसेजेस नोट्स फॉरवर्ड करना है, वो अपने सेव्ड मैसेज में फॉरवर्ड कीजिए। एंड एक साथ 100 लिमिट, 100 तक हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, 100 तक मतलब वन टाइम 100 तक फॉरवर्ड कर सकते हैं, ऐसा कितने भी टाइम कर सकते हैं आप। तो आपका बैकअप चैनल क्रिएट हो जाएगा, वो चैनल कॉपीराइट से डिलीट भी हुआ तो भी आपका चैनल डिलीट नहीं होगा। तो ये सही तरीका है भाई, थैंक यू, धन्यवाद।